तो गाइज अभी हम आ चुके हैं मायारम हाट और यहाँ पर भाई सब्जी फाइनली इंडक्शन हमारा रिपेयर हो गया है और ये ऑन भी हो गया है और ये भाई गर्म भी हो रहा है, तो मतलब वर्किंग कंडीशन में है। अब इसको संडे के दिन भी हम लोगों को बहुत सारा काम होता है गाइस, तो संडे के दिन ऐसा नहीं है कि हम लोग घर पे आराम करते हैं, बहुत सारा काम होता है, इसलिए भाई कहीं पर जा नहीं पाते हैं वीडियो शूट वगैरह करने के लिए। गाइस वही वॉशिंग मशीन है जो कि मैंने एक साल पहले मंगवाया था और गाइस ये अभी तक बढ़िया चल रहा है। अपने दिल में बसा लो, अपनी बाहों में भर लो, आज जी भर के हमसे मोहब्बत कर लो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और थोड़ी देर पहले मैं आज सो के उठा हूँ और गाइस आज है संडे और आज बहुत सारा काम है, आज मैं घर पे ही रहने वाला हूँ और पूरे दिन क्या एक्टिविटी करने वाला हूँ सर चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और घर पे आज बहुत सारा काम है, जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पहला काम जो हमने किया है भाई कपड़ा धोने का काम सबसे पहले किया है, क्योंकि भाई लाइट का कोई भरोसा रहता नहीं है कब लाइट आए और चली जाए। और ये गाइस वही वॉशिंग मशीन है जो कि मैंने एक साल पहले मंगवाया था और गाइस ये अभी तक बढ़िया चल रहा है और बहुत ही स्मूथ चल रहा है, कपड़े भी भाई अच्छे तरीके से धो रहा है और जितना भी बेडशीट वगैरह था ना, बेडशीट हो गया, तकिया का गिलाफी हो गया, सब मैंने भाई मशीन में डाल दिया है और सारा का सारा सामान आप देख सकते हो पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, ये सब को भाई पूरा सेटिंग करना है घर के अंदर, क्योंकि भाई मैं पूरे हफ्ता ड्यूटी करता हूँ तो मुझे समय नहीं मिलता है ये सबको सेटिंग वेटिंग करने का, पूरा हफ्ता जो है सामान इधर उधर हो जाता है, फिर संडे को समय मिलता है। तो आज है संडे, आज मैं पूरे दिन यही सब करने वाला हूँ और गाइस बाहर भी जाने वाला हूँ और भाई देख सकते हो मैंने अभी तक नाश्ता वगैरह और खाना वगैरह भी नहीं बनाया है। तो गाइस बाहर देखो पूरा बर्तन भी वैसे ही रखा हुआ है, सबसे बड़ा काम होता है भाई बर्तन धोने का अभी। और गाइस बाहर का मौसम भी काफ़ी प्यारा हो रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो भाई धूप बिल्कुल भी नहीं निकला है और तो गाइस फाइनली घर का काम जो है सो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो भाई पानी वगैरह पूरा मैंने घर में मार दिया है, पोछा वगैरह लगा दिया है, पूरा साफ सुथरा हो गया है और अभी बेडशीट मैंने नहीं बिछाया क्योंकि भाई अभी जस्ट मैं कपड़ा धोया हूँ तो बेडशीट को मैं सूखने के लिए दे दिया हूँ। अब भाई सबसे बड़ा काम बच गया है खाना बनाने का काम, तो गाइस आज हम लोग खाना जो बनाएंगे तो चावल और अंडा करी बनाने वाले हैं, तो आज हम लोग बनाएंगे उसके बाद फिर खाएंगे गाइस। तो देखो यही अपना छोटा सा घर है भाई और इसी घर में हम फिलहाल अभी रहते हैं, जब मेरी फैमिली आती है गांव से तब मैं दूसरा वाला रूम ले लेता हूं ताकि भाई दिक्कत ना हो रहने सहने में, क्योंकि भाई दो बच्चे हैं और एक मैं और मेरी वाइफ रहती है तो एक रूम में गुजारा हो नहीं पाएगा। अभी मैं सिंगल हूँ इसलिए मैं भाई एक ही रूम में रहता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, मैं आराम से भाई इस रूम में एडजस्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो सारा सामान भाई सेटअप कर दिया हूँ, जो भी जहाँ रखना था जो भी सामान सब अपनी जगह पे पहुँच गया है। चलिए गाइस फटाफट खाना बनाते हैं। खाना बना रहे हैं अंडा करी और आलू डाल करके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाला हूँ। तो गाइस मैं आपने देखा सबसे पहले हमने दो प्याज लिया, दो प्याज उसके बाद अदरक और लहसुन, उसके बाद उसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस दिया, पीसने के बाद फिर भाई अंडा वगैरह मैंने फ्राई कर लिया, उसके बाद फिर कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद फिर हमने डायरेक्ट जो हमने मसाला पीसा था उसको डायरेक्ट उसमें हमने डाल दिया है।
और डालने के बाद भाई थोड़ा देर इसको फ्राई करना होता है मीडियम आंच पे। कच्चा प्याज है ना तो थोड़ा सा इसको भूनना पड़ेगा। बढ़िया से भून देंगे उसके बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। मसाला ऐड करने से पहले थोड़ा सा इसमें पानी दे देते हैं ताकि भाई मसाला हमारा अच्छे से भुना जाए। सब्जी मसाला, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, उसके बाद मेरा धनिया, धनिया थोड़ा ज़्यादा देंगे क्योंकि भाई ग्रेवी बनाना है मुझे, और ये रहा मिर्च का पाउडर। तो मिर्च का पाउडर मैं इसलिए डाल रहा हूँ गाइस क्योंकि भाई हरी मिर्च मेरे पास में ख़त्म हो गया था, इसके लिए अपने स्वाद अनुसार अपना या मतलब कितना तीखा रखना है उन सब को रख लीजिए आप स्वाद अनुसार आपको जैसा लगता है। उसके बाद इसको धीमी आंच पे पकाना है। मेरे पास टमाटर भी ख़त्म है और मिर्च भी ख़त्म है, तो बहुत सारा चीज़ है जो ख़त्म है जो कि इसमें मैं नहीं डाल रहा हूँ। और उसके बाद फिर अभी गाइस हम लोग इसको बढ़िया से भूजेंगे। एक बार आप इसमें ना सूखी मिर्चाएँ भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। तब आलू जो आपने उबाला था उसको इसमें एक एक करके डाल दीजिए बढ़िया से, ताकि वह जो उबला हुआ आलू है ना, आलू से भी भाई रस छूटता है तो आपका मज़ेदार बनेगा। अब इसको एक बार और भूजना है आलू के साथ और मसाला के साथ। जब आलू आपका भुजा जाए तब इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। तो अब बारी है गाइस अंडा डालने की, तो हम इसमें अंडा डाल देंगे। अंडा डालने के बाद फिर आपको इसमें ऐड कर देना है डायरेक्ट पानी। अब पानी हम उतना ही डालेंगे जितना मुझे चाहिए, मतलब तो जितना गाढ़ा ग्रेवी आपको रखना है उस हिसाब से आप इसको पानी डाल दो। और इतना पानी डालो कि भाई एक बार ये अच्छे से भुजा जाए। जब भुजा हो जाए जितना आपको पतला मोटा ग्रेवी रखना है, रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा सा गाढ़ा ग्रेवी कर लेना। मैं चावल के साथ खाने वाला हूँ, थोड़ा सा पतला ही ग्रेवी रखूँगा मैं, ज़्यादा पतला नहीं, एक मीडियम ग्रेवी रखूँगा। देखो गाइस अभी कुछ इस तरह से मेरा सब्जी दिख रहा है। अभी इसको भाई झांप देते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। तो गाइस फाइनली सब्जी बनकर तैयार हो गया है। देख लो गाइस कुछ इस तरह से भाई बनकर तैयार हुआ है, थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ा ही है। खाना वगैरह बन गया है और गाइस आपको बता दूं कितना टाइम हुआ है, अभी भाई 10 बज गए हैं। भाई इतना सारा काम करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चला। तो भाई संडे के दिन भी हम लोगों को बहुत सारा काम होता है गाइस, तो संडे के दिन ऐसा नहीं है कि हम लोग घर पे आराम करते हैं, बहुत सारा काम होता है इसलिए भाई कहीं पर जा नहीं पाते हैं वीडियो शूट वगैरह करने के लिए। तो भाई अभी देख आपने देखा कितना सारा काम था, 10 बज गए और अभी भाई शेविंग करना बचा हुआ है, ब्रश भी अभी तक हमने नहीं किया है। अभी फिर ब्रश करेंगे, शेविंग करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा खा लेंगे। तो गाइस फाइनली मैं शेविंग वगैरह कर लिया हूँ और नहा धोकर के फ्रेश हो चुका हूँ। अब भाई बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, अब थोड़ा सा भाई खा लेते हैं खाना। तो गाइस खाना प्लेट में निकल चुका है, फटाफट इससे भाई इसको खा लेते हैं फिर आप लोगों को बाहर लेकर के चलेंगे। तो गाइस खाना बहुत टेस्टी बना है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है, आप कभी रेसिपी ट्राई ज़रूर करना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा खाने में। तो गाइस अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं खाना खा के भाई सो गया था और अभी मैं उठा हूँ सो करके और कपड़े वगैरह पहन के मैं जा रहा हूँ बीदूपुर बाज़ार। बीदूपुर बाज़ार इसलिए मैं जा रहा हूँ गाइस क्योंकि मैंने 2 दिन पहले इंडक्शन दिया था बीदूपुर बाज़ार में बनाने के लिए, मेरा इंडक्शन ख़राब हो गया था। और गाइस मैंने फ़ोन पर बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई आपका सामान आ गया है, आप आ जाओ मेरे दुकान पर, हाथों हाथ आपको रिपेयरिंग करके आपको हम दे देंगे। तो गाइस मौसम देखो अभी शाम के टाइम में भाई कुछ इस तरह से हो रखा है और ये हरियाली भाई काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और गाइस अभी हम महनार वाले रोड के पास आ गए हैं, जैसा कि आप देखते हो इसमें गाड़ियों का जो आवागमन हो रहा है, ये हाजीपुर महनार रोड है और इसको गाइस NH 122 भी लोग कहते हैं। और यहाँ से हाजीपुर 16 किलोमीटर है और हाजीपुर लगभग 15 किलोमीटर है। तो चलते हैं गाइस
बिदुपुर बाज़ार, और वहाँ का बिदुपुर बाज़ार का भी आप लोगों को हम तस्वीर दिखाएंगे, और फटाफट इंडक्शन लेंगे। उसके बाद फिर मुझे सब्ज़ी वगैरह भी लेना है, सब्ज़ी वगैरह लेके फिर वापस घर पर आ जाएंगे। तो गाइज अभी हम आ गए हैं मायराम हाट, और मायराम हाट में भाई इंडक्शन को हमने दे दिया है रिपेयर करने के लिए। तो भाई ये भाई साहब तो हाथों हाथ हमें रिपेयर करके दे रहे हैं, और भाई साहब से पूछेंगे क्या दिक्कत था सर इसमें। इसमें लाइन का प्रॉब्लम था। अच्छा, लाइन का प्रॉब्लम था। जी जी। अच्छा अच्छा। और भाई बिदुपुर बाज़ार में जब मैंने इसको दिया था तो उन्होंने कहा कि कॉइल जला हुआ है, और भाई कॉइल बिल्कुल भी नहीं जला हुआ, ये शायद ट्रांजिस्टर कुछ बोलते हैं टेक्निकल भाषे में, वो शायद इनका उड़ा हुआ है। तो भाई जगह जगह के ऊपर डिपेंड करता है, मिस्त्री के ऊपर, नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और भाई ये अभी फाइनली हमारा हाथों हाथ रिपेयर होने वाला है गाइस। फाइनली इंडक्शन हमारा रिपेयर हो गया है, और ये ऑन भी हो गया है, और ये भाई गर्म भी हो रहा है, तो मतलब वर्किंग कंडीशन में है। अब इसको हम घर लेकर के जा सकते हैं, और चलते हैं फिर सब्जी लेते हैं पहले। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मायराम हाट, और यहाँ पर भाई सब्जी वगैरह लेना है मुझे। हाँ, परवल दीजिए 2 किलो, अच्छा वाला दीजिएगा। तो भाई मैं पेठिया जब भी आता हूँ इन्हीं चचा से मैं सब्जी ज़्यादातर लेता हूँ, क्योंकि इनका परवल ना बिल्कुल फ्रेश रहता है। कैसे किलो है परवल? 25 रुपये किलो। अच्छा, तो गैस ये रहा पेठिया, और इसमें भाई ज़रूरत के सारे सब्जी वगैरह सब मिल जाते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी सारा सब्जी है। तो अभी मुझे लेना है बैगन, यहाँ पर बैगन है। बैगन कैसे है? बैगन 40 रुपये किलो, 1/2 किलो दीजिए। तो गैस 1/2 किलो बैगन हम ले लेते हैं, इसको जो है ना वो फ्राई करके बनाने वाले हम। तो गैस हम 2 सब्जी ले लिए हैं, और हमारा काम हो चुका है, और अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। आज तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है भाई, और सब दिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो भाई यहाँ से ना वहाँ तक निकलने में होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। ये रहा केला वाला, केला कैसे है? कौन वाला? ये वाला 40 रुपये दर्जन। 40 रुपये दर्जन, बहुत महंगा बोल रहे हैं चाचा। 35 के लगा दे। देख लीजिए, 30 रुपये मिलता है, आप 35 रुपये 40 रुपये बोल रहे हैं। कितना? 1 दर्जन दे दीजिए हमको 30 का। थोड़ा कच्चा वाला दीजिए ना, ये वाला में वो कुछ ज़्यादा ही पका हुआ है। पेड़ का पका हुआ? पेड़ का, गाछ का पका है भैया। गाछ का पका हुआ इतना पीला? हाँ हाँ, ठीक है दे दीजिए। तो भाई हाजीपुर का केला आपको मालूम ही होगा, काफ़ी मशहूर है भाई। छोटा छोटा केला होता है, लेकिन भाई खाने में बहुत मज़ा आता है। हाँ भाई, ठीक है, पन्नी में डाल दीजिए। तो केला हमने ले लिया है, 40 रुपये बोला था भाई, 30 रुपये में मुझे दे दिया, 30 रुपये दर्जन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनलवा को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।